कैथल जिला के गुला उपमंडल के गांवों में रेड क्रॉस की ओर से कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता का अभियान चलाया गया है। जूनियर रेड क्रॉस काउंसलर राजा सिंह झिंझर के नेतृत्व में मंगलवार को 8 गांवों के अलावा प्रवासी मजदूरों के राहत शिविर का दौरा किया गया। रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स ने लोगों को अपना चेहरा मास्क या रुमाल से ढककर रखने की सलाह दी। किसी भी वस्तु को छूने से पहले और बाद में हाथों को साबुन से साफ करने के लिए कहा। रेड क्रॉस के अधिकारियों ने गांवों में किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश रोकने के लिए की गई नाकाबंदी की सराहना की। रेड क्रॉस की ओर से जागरूकता अभियान के दौरान मास्क और सैनिटाइजर्स भी बांटे गए। तो आपने अपना मूड अच्छे रखना है। अगर आप मूड अच्छे रखेंगे तो पहले अपने आप को बचाएंगे, फिर अपना परिवार बचाएंगे। कभी भी लापरवाही ना बरतो। अभी बचाव में ही बचाव है, एक दूसरे को दूरी बना के रखो और दूसरे पे निर्भर है। आप लोग काम करते हैं हमारे लिए करते हैं, हम काम करते हैं किसी और के लिए करते हैं, काम तो खुद ही करते हैं। तो ये तो बनना बनना है। ध्यान सिंह जी गाँव खराड़ से चौकीदार हूँ जी। मैडम मैंने मेरे को आपकी बातें बहुत बढ़िया लगी जी, जो आपने हमारे को बताई जी। ठीक है जी, नीर जी हमारे मैं तो एक नाके में खड़े हूँ जी, ना मैं एक दिन भी रुके जी। मैं अपनी तसली के लिए हमने काम कर रहे हैं जी। ठीक है, मेरा नाम करमा राम है जी, वार्ड नंबर 17 में रहता हूँ। यहाँ पर सभी सुरक्षित है, कोई बीमारी कोई भी ऐसी नहीं है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम खाने पीने की आ रही है कि राशन दूध मिलता है जी, आटा जैसे। तो घर तो हमारे 23 है जी, बंदे है 75 है जी। ठाक है, कोई कम आदमी को लेना नहीं देना नहीं, ना ऊपर ने हम बढ़ देते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। रेड क्रॉस के इस अभियान के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।